किसान भाइयों नमस्कार। आप देख रहे हैं ये पेड़ी का प्लाट है और इस प्लाट के पौधे गन्ने की जो कटाई हुई थी वो 25 मार्च को हुई थी। हमने इस प्लाट पे एक बार पहले भी आपको यहाँ पे लाइव करके दिखाया था कि किस तरीके से हम पेड़ी प्रबंधन का काम कर रहे हैं और पेड़ी प्रबंधन के साथ साथ किस तरीके से उर्वरक प्रबंधन कर रहे हैं, गुड़ाई कैसे कर रहे हैं, सिंचाई, वो हमने आपको दिखाया था। आज इस प्लाट पे पुनः आपको दिखाने का हमारा मकसद ये है कि पेड़ी प्रबंधन के बाद इस प्लाट में जो ये गन्ने की जो ये दो लाइनें हैं, इन दो लाइनों में 5 मई को ढैंचे की बुआई की गई थी और ढैंचे की बुआई आप देख रहे हैं यहाँ लाइनों में की गई है, दो लाइनों में इसकी बुआई की गई थी। ये वैरायटी है, यहाँ पे कुल 8 वैरायटियाँ हैं। ये जो पहली जो दो लाइन है ये 13235 की आप देख रहे हैं और इन दो वैरायटियों के बीच में ये ढैंचा की दो लाइन है, ये आप देख रहे हैं 5 मई की इसकी बुआई है और आज 6 जून है, लगभग 1 महीना ये हो गया है। ये दो लाइन जो 13235 की है, फिर आप ये देखेंगे ये यहाँ पे 14201 की ये दो लाइन है, ये दो लाइन इसके बीच में ये ढैंचा की बुआई की गई है। फिर ये 15023 दो लाइन है और 15023 के बाद फिर ये गन्ने की जो ये किस्म है कोसा 17231 है, ये इस दो लाइन है। ये सभी पेड़ी हैं और एक ही साथ इनके पौधे गन्ने की कटाई हुई थी और उसके बाद सारी जो क्रियाएं हैं वो एक साथ की गई थी, उसके बाद फिर इसमें ढैंचा की बुआई की गई थी। अब आइए इस पे बात करते हैं कि हम ये ढैंचे की जो बुआई की गई क्यों की गई है। हम सभी लोग ये जानते हैं कि मृदा में कार्बनिक पदार्थ की जब पूर्ति होती है, पर्याप्त मात्रा में पूर्ति होती है, तो मिट्टी की जो जल धारण क्षमता होती है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, अर्थात मिट्टी में पानी रोकने की क्षमता जो होती है उसमें वृद्धि होती है। और साथ ही साथ जब कार्बनिक पदार्थ पर्याप्त मात्रा में होते हैं तो मृदा में ऐसे कई सूक्ष्म जीव होते हैं, जीवाणु होते हैं, उनकी संख्या में वृद्धि होती है और जब उनकी संख्या में वृद्धि होती है तो ये जीवाणु जो होते हैं ये मिट्टी में जो हम पोषक तत्व देते हैं उन पोषक तत्वों को पौधों के लिए उपलब्ध अवस्था में बदलने का काम करते हैं। अब जैसे पानी रोकने की क्षमता, मिट्टी में जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है उससे क्या हमारा मतलब है? मतलब हमारा ये है, सीधा सा मतलब ये है कि एक बाल्टी में अगर पानी आप रख दीजिए और नीचे उस बाल्टी से पानी रिस रहा है, नीचे से अगर रिस रहा है तो कुछ देर बाद पानी रिस करके सारा नीचे चला जाएगा और उसी बाल्टी में अगर आप एक तौलिया रख दीजिए तो तौलिया क्या करेगा, उस तौलिया पानी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा, अवशोषित कर लेगा और वो काफ़ी देर तक वो नमी बनी रहेगी। तो आप इस तरीके से समझिए, जब हमारे मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ पर्याप्त मात्रा में होते हैं तो ये उस तौलिए की तरह रोक करके हम मिट्टी में जो नमी होती है वो काफ़ी दिन तक बनी रहती है और जब मृदा में नमी काफ़ी दिन तक बनी रहती है तो मृदा में जो पोषक तत्व, हम सभी लोग जानते हैं कि पौधे जो हैं वो पोषक तत्वों को घुलनशील रूप में लेते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि पोषक तत्वों की उपलब्धता पौधों के लिए अधिक मात्रा में होती है, साथ ही साथ सूक्ष्म जीवों की संख्या में वृद्धि होती है। तो इस तरह से कार्बनिक पदार्थ की वृद्धि आप कर सकते हैं। अगर आपके खेत में, अगर आपके पास गोबर की उपलब्धता नहीं है, वर्मी कंपोस्ट की उपलब्धता नहीं है, तो आप इस तरीके से भी ढैंचे की बुआई करके आप मृदा में कार्बनिक पदार्थ की पूर्ति कर सकते हैं। अब बात यह है कि इसकी पलटाई कब करें। जब हम ढैंचे की बुआई अकेले खेत में करते हैं तो हमें 45-50 दिन पे उसकी पलटाई कर देनी चाहिए, लेकिन जब हम गन्ने के साथ अंतर फसल के रूप में ढैंचे की बुआई करते हैं तो हमको 30-40 दिन के अंदर उसकी पलटाई कर देनी चाहिए ताकि गन्ने में जो लॉकिंग पीरियड ऑफ नाइट्रोजन आता है वो उससे बचने के लिए हमको थोड़ा पहले कर देना चाहिए। तो अब ये 1 महीने का हो गया है, हम इसकी पलटाई कल इसको कर देंगे, ये कल परसों में इसको कर देंगे। मेरा मकसद ये है आपको दिखाने का कि आप पेड़ी गन्ने में भी 1 महीने में एक अंतर फसल लेकर के, ग्रीन मैन्योर हरी खाद की अंतर फसल लेकर के आप मृदा में कार्बनिक पदार्थों की पूर्ति में वृद्धि कर सकते हैं।